टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाविक। ओके, ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो ये इंडिया का जीपीएस है। ओके, हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल एस यूट्यूब चैनल। आवर टैग लाइन इज वीर होके वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, ये नेविक एक प्रकार से आप सोच सकते हो इसका ये नाम कैसे है नेविक, पहले इसको आप समझ लेते हैं। नेवी जो है नेविगेशन, इसको आप देख सकते हो इधर, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, नेविक, नेविगेशन विद इंडियन आई एन सी कॉन्स्टेलेशन। ओके, इस नेम नेविक, इसको आप इंडिया का जीपीएस भी बोल सकते हो। जीपीएस तो वैसे यूएसए का है, बट ये इंडिया का एक प्रकार से जीपीएस बोल सकते हो। ठीक, इसका क्या काम है? टू मीट द पोजिशनिंग एंड नेविगेशन एंड टाइमिंग रिक्वायर्ड ऑफ द मिशन। इसरो हैज एस्टेब्लिश्ड द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉल्ड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नेविक। नेविक वाज अर्स्ट वाइल नोन एज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका पहले ये वाला नाम हुआ करता था। ओके, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम लोग वार में थे और 1999, ओके, सो उस समय हमने यूएसए से हेल्प मांगा था जीपीएस पोजीशन उसको बताने के लिए, तो यूएसए ने डायरेक्टली मना कर दिया था। इसकी वजह से हम लोग को ऐसा जरूरत फील हुआ कि हम लोग खुद का एक जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, जो इसको तब हम लोग ने उसको डेवलप बनाया है। उसको ये 2013 से स्टार्ट हो गया था। नेविक इज डिजाइन विद द कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवन सेटेलाइट। इसमें सेवन सेटेलाइट है जो 2013 से स्टार्ट हो गया था, तो इसको ऐसे जो जो सेटेलाइट बनता जा रहा था उसको भेजते जा रहे थे स्पेस में। ओके, एंड ए नेटवर्क ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7। थ्री सेटेलाइट कॉन्स्टेलेशन आर प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड फोर सेटेलाइट आर प्लेस इन इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। द ग्राउंड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल सेंटर, प्रिसाइज टाइमिंग फैसिलिटी, रेंज एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, टू वे रेंजिंग स्टेशन। नेविक ऑफर टू सर्विसेज। ओके, वन इज स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। ओके, फॉर सिविलियन यूजर। जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हम लोग को फूड ऑर्डर करना हो तो हम अपना एरिया डालते हैं गूगल पे और वो जितने फूड वाले हैं सब आ जाते हैं, तो हमें उससे मैप से पता चलता है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम मैप फिट करते हैं और बाइक से निकल जाते हैं या कार से, जैसे भी। इन सब चीजों में हमें और जैसे कार की कंपनियां हैं ढेर सारी, ओला उबर एंड अदर, दे यूज द दीज सर्विस। ओके, दे आर जनरली नाउ यूजिंग जीपीएस सिस्टम, मे बी इन फ्यूचर दे विल यूज स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस ऑफ इंडियन नेविक, दे विल यूज इफ इट प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। ओके, फॉर देम। ओके, एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो जैसे हमने बताया कि अभी 1999 में गवर्नमेंट ने जब हेल्प मांगा था यूएस गवर्नमेंट से कि आप डेटा शेयर करिए तो मैप से रिलेटेड, तो उन्होंने नहीं शेयर किया था, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। यहाँ पे जैसे आर्म फोर्स को क्या है, उनको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आप तभी और करेक्ट लोकेट नहीं कर पाओ। जैसे आपको मिसाइल चलाना है या कोई करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको करेक्ट पोजीशन चाहिए और करेक्ट पोजीशन इसी से मिल पाएगा। ओके, दीज टू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन बोथ L5 एंड S बैंड। ओके, नेविक कवरेज एरिया इंक्लूड्स इंडिया एंड द रीजियन अप टू 500 और 1500 किलोमीटर। ओके, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये इंडिया से, इंडिया के बॉर्डर से करीब 1500 किलोमीटर दूर तक इसका कवरेज है। ओके, नेविक सिग्नल्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड यूजर पोजीशन एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर। ओके, एंड टाइम एक्यूरेसी बेटर देन 50 नैनो सेकेंड। ओके, नेविक स्पेशल पोजिशनिंग सर्विस सिग्नल आर इंटरऑपरेबल विद द अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, सिग्नल्स नेमली जीपीएस, ग्लोनास,
गैलीलियो एंड बाइडू। जो जीपीएस है वो यूएसए का है, जीपीएस जो है वो यूएसए का है, एंड ग्लोनास जो है वो है रशिया का, गैलीलियो जो है ये यूरोप का है, एंड बाइडू जो है ये है चाइना का। ओके आप ये मैप में समझ सकते हो कि कितना एरिया कवर कर रहा है। इसमें लगभग पूरा ईस्ट एशिया आ जा रहा है, मोस्ट ऑफ द चाइना आ जा रहा है, इधर ढेर सारा ऊपर वाला एरिया आ जा रहा है, इधर भी पूरा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आ जा रहा है, एंड हियर आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल एशिया पूरा आ जा रहा है, उसके अलावा इधर यूएई आ जा रहा है, एंड ओमान का कुछ पोर्शन आ जा रहा है, एंड हियर ढेर सारे आइलैंड है यहाँ पे भी आ जा रहे हैं, श्रीलंका आ जा रहा है, एंड हियर पूरा बांग्लादेश आ जा रहा है। ये और इधर पूरा अंडमान निकोबार तो है ही, इतना एरिया ये कवर कर रहा है। इसका एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन। ओके अब जैसे जाने के लिए कहीं जाना है तो आपको मैप होना चाहिए ना, मैप, उसका यूज हो सकता है। तो हो गया लोकेशन बेस्ड सर्विस, जैसे ओला ओला को पहुंचना है तो कैसे पहुंच जाते हैं, यही इसी का यूज करके वो लोग पहुंच जाते हैं। पर्सनल मोबिलिटी, हम लोग को कहीं जाना हो तो हम लोग भी यूज कर लेते हैं, हमें अगर करेक्ट एड्रेस नहीं पता हो। रिसोर्स मॉनिटरिंग करने के लिए, अब जैसे हमें ऊपर से देखना है फॉरेस्ट कितना है, कितना बढ़ा, तो ये हम लोग इसी सबसे देखेंगे। सर्वे जैसे करना है, सर्वे एंड जियोडेजी, तो उससे भी हम ऐसे ही करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च, तो हमारे पास एक डेटा भी अब कलेक्ट हो रहा है, कितनी चीजें चेंज हो रही है 10 साल में। जैसे कहीं पे फॉरेस्ट था, कहीं नहीं था, कहीं और एरिया में रोड रोड नहीं था, वहां पे बन गया, तो उससे हमें पता चलेगा, उससे हमारे पास डेटा भी रहेगा कैसे चेंज हो रहा है। जैसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे किस एरिया में कैसा चेंज हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा। टाइम डिसेमिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट डिसेमिनेशन। सेफ्टी ऑफ लाइफ डिसेमिनेशन, जैसे कि अभी क्या होता है कि आप देख रहे हो रोज, अगर न्यूज में पढ़ रहे होगे तो क्या होता है, जैसे श्रीलंका कई जो फिशरमैन है उनको अरेस्ट कर ले रहा है, क्योंकि कई बार इतना बॉर्डर क्लियर नहीं है ना, तो वाटर में पता भी नहीं चलता उन लोग को, तो इसलिए उन लोग को ऐसा डिवाइस दिया गया है, जैसे वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने वाले होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे साइक्लोन आने वाला होगा, गवर्नमेंट अलर्ट जारी कर रहा है, तो उनको वो सिग्नल बजने लगेगा। ओके दीज मैसेज आर यूजफुल इन एरिया विद द पुअर एंड नो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सपोर्ट, जहाँ पे जैसे नेट वाई हो, ये जो होता है टावर ओवर काम नहीं करता, जहाँ पे जैसे कहीं सिग्नल, जैसे रामेश्वरम रामेश्वरम एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे कई सिग्नल काम ही नहीं करेगा, कई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं होगा आपको। वैसे स्थान पे सेटेलाइट का सबसे बेटर यूज है। ओके करेंटली दिस सर्विस इज यूज टू प्रोवाइड अलर्ट ऑन साइक्लोन, जैसे साइक्लोन का अलर्ट गवर्नमेंट जारी करता है, तो जैसे जो फिशरमैन गए हैं वहां पे उनके पे सिग्नल देने लगेगा कि चलिए वापस चलो यहाँ से, मतलब खतरा हो गया, तो ऐसे सुनामी जैसे आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो तुरंत जैसे अलर्ट कर देगा, तभी वो लोग बच पाएंगे। ओके एंड ये हाई सीम, जैसे एकदम काफी अंदर चले जाते हैं सीमें, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम है। टू फिशरमैन कम्युनिटीज। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।